नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नवगछिया नगर पंचायत में मांगों को लेकर सांकेतिक धरने पर बैठे पार्षद, उप मुख्य पार्षद कर रहे थे नेतृत्व। नवगछिया में मारपीट मामले में एक गंभीर रूप से घायल। 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 443 प्रवासी पहुंचे नवगछिया। गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। नवगछिया में 63 संदिग्ध का जांच के लिए लिया गया सैंपल। नवगछिया में महाराष्ट्र से आए युवक कोरोना पॉजिटिव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का हुआ सम्मान। नवगछिया के खरीक में ट्रक के धक्के से मोटरसाइकिल सवार मां और पुत्र गंभीर रूप से घायल, मायागंज अस्पताल रेफर। नवगछिया में अधिवक्ता के निधन पर शोक सभा का आयोजन। नारायणपुर बलहा से 33 लोगों को जांच के लिए भेजा गया भागलपुर। नवगछिया के खरीक में डूबने से बालक की मौत। नवगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की खबरें हेतु सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और साथ ही सदस्य बने हमारे जीएस न्यूज परिवार के। नवगछिया नगर पंचायत में मांगों को लेकर सांकेतिक धरने पर बैठे पार्षद, उप मुख्य पार्षद कर रहे थे नेतृत्व। नवगछिया नगर क्षेत्र के नगर उपाध्यक्ष अभिषेक रमन एवं वार्ड पार्षद सह राजद के जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार उर्फ प्रमोद यादव सहित सामाजिक संगठनों की अगुवाई में 8 सूत्रीय मांगों के साथ सोमवार को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में सांकेतिक धरना दिया, जिसमें शहर में साफ सफाई, नाला सफाई, आवास योजना, राशन कार्ड, स्ट्रीट लाइट, कबीर अंत्योष्टि योजना, वार्डों को ब्लीचिंग व सैनिटाइज कराने, सफाई कर्मी के मानदेय पर समय पर भुगतान सहित वार्ड 16 के समीप खरने नदी पास राजू गड़ोदिया के घर के पीछे कूड़ा डंप को बंद कर शौचालय चालू करने की मांगों का प्रतिवेदन नगर कार्यपालक पदाधिकारी को समर्पित किया। वहीं वार्ड पार्षद अजय कुमार उर्फ प्रमोद यादव ने कहा कि नगर पंचायत किसी भी मामले में अग्रसर नहीं हो रहा है, यह देखकर बहुत दुख होता है कि यह नगर परिषद किस तरह से बन पाएगा। यहां पर असुविधाओं का अंबार पड़ा है। मौके पर उप मुख्य पार्षद अभिषेक रमन, वार्ड पार्षद सह जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार उर्फ प्रमोद यादव, पार्षद माहिल सिंह, मुकेश कुमार, पार्षद प्रतिनिधि पुलकित मंडल, मोहम्मद अंजार आलम, विनोद सिंह, हिमांशु यादव, मोहम्मद जहांगीर खान, गोपाल कुमार ने सांकेतिक उपवास देकर समस्याओं से निजात दिलाने का मांग किया। नाराजगी तमाम पार्षद को है। वार्ड नंबर नगर क्षेत्र में जितने भी वार्ड हैं, वार्ड 23 हैं, उन सभी को परेशानी है। और ये सफाई जो है, सफाई कर्मी सफाई अभियान के चलते इस बोर्ड के बैठक में भी हम लोग कई बार अपना बयान दे चुके हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। हम लोग तंग हो जा रहे हैं, पब्लिक परेशान कर रहा है, सफाई नहीं हो पा रहा है, ऊपर में कोरोना का संकट है, महामारी फैला हुआ है। उसके बाद सैनिटाइजिंग जो हुआ था बीच में, वो बाज़ार में ही सैनिटाइजिंग हो गया जो मोटर से होता है स्प्रे। नवगछिया में मारपीट मामले में एक गंभीर रूप से घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के धोबनिया में हुई मारपीट में धोबनिया निवासी विलास यादव 55 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने घायल को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जा रही है। नवगछिया में 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 443 प्रवासी पहुंचे नवगछिया। नवगछिया स्टेशन पर कुल 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सोमवार को कुल 443 प्रवासी नवगछिया स्टेशन पहुंचे। सभी प्रवासियों को नवगछिया स्टेशन पर तैनात स्वास्थ्य टीम के द्वारा स्क्रीनिंग के बाद बस से विभिन्न जिलों में भेजा गया। नवगछिया स्टेशन पर पहुंचे भागलपुर, खगड़िया, बांका, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका सहित अन्य जिले के प्रवासियों को बस से अपने अपने गंतव्य जिला भेजा गया। गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। स्वर्ग से धरती पर पतित पावनी मां गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सैदपुर के बुद्धूचक गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मौके पर श्रद्धालुओं ने अपने अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया। नवगछिया में 63 संदिग्ध का जांच के लिए लिया गया सैंपल। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के कोरोना सेंटर मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में सोमवार को 63 संदिग्ध लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। जांच के लिए लिए गए सैंपल में नारायणपुर प्रखंड के 32 संदिग्ध एवं नवगछिया प्रखंड के 31 संदिग्ध का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है।
महाराष्ट्र से आए युवक कोरोना पॉजिटिव। नौगछिया प्रखंड के सिरपुर अमघट्टा निवासी युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवक क्वारंटाइन सेंटर के हैं। युवक की ट्रेवल हिस्ट्री रही है। युवक महाराष्ट्र के मुंबई शहर में मजदूरी करता था। युवक 29 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से नौगछिया पहुंचा था। नौगछिया आने के बाद युवक को बनारसी लाल सराफ क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया था। क्वारंटाइन सेंटर में युवक में कोरोना के संदर्भित लक्षण पाए जाने पर रविवार को युवक का सैंपल जांच में भेजा गया था। सोमवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश प्रवक्ता का हुआ सम्मान। भारतीय जनता पार्टी नौगछिया द्वारा बीहपुर के जयरामपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंह बंटू एवं मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक महेश्वर सिंह निषाद का अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रोफेसर भोला कुमार ने किया। सम्मान करने वालों में जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, जिला उपाध्यक्ष महंत नवल किशोर दास, जिला महामंत्री अरविंद चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी भागलपुर इंदु भूषण झा, कुणाल गुप्ता, कृष्ण कुमार, परमानंद सिंह, जयप्रकाश कुमार, तेज नारायण सिंह, सनी कुमार एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। नवगछिया के खरीक में ट्रक के धक्के से मोटरसाइकिल सवार मां और पुत्र गंभीर रूप से घायल। नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 पर अंबो के समीप सुबह करीब 6 बजे नौगछिया सिरीपुर से खगड़िया बसा जा रहे पूर्णिया टिकापट्टी निवासी विष्णुदेव सिंह की पत्नी हवा देवी 55 वर्ष और उनका पुत्र भोलू कुमार 20 वर्ष मोटरसाइकिल सवार ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। इस संदर्भ में पूछे जाने पर खरीक अवर निरीक्षक श्यामानंद मिश्र ने बताया कि घायलों के इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पर किया गया है। ट्रक और चालक के विरुद्ध खरीक थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नवगछिया अधिवक्ता के निधन पर शोक सभा का आयोजन। नवगछिया के अधिवक्ता भवन में सोमवार को नवगछिया बार एसोसिएशन अधिवक्ता खगड़ा निवासी किशोर मिस्त्री के निधन पर संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण चौधरी कौशल की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। मौके पर नीरज झा, रजनीश कुमार सिंह, कुंदन चौधरी, जयप्रकाश यादव, अरुण कुमार शाह सहित अन्य सभी अधिवक्ता मौजूद थे। नारायणपुर के बलहा से 33 लोगों को जांच के लिए भेजा गया भागलपुर। नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहरपुरा पंचायत के वार्ड संख्या 7 में रविवार को चंडीगढ़ से आए 35 वर्षीय प्रवासी मजदूर में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाए जाने पर रविवार को उनके 4 परिजन को सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। सोमवार को उनके संपर्क में आए 2 ग्रामीण चिकित्सक सहित 33 लोगों को जांच के लिए बलहा से भागलपुर भेजा गया है। आशय की जानकारी PSC प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी ने दी। नदी में डूबने से बालक की हुई मौत। नौगछिया के खरीक अंचल के अड़गावा गंगा नदी धार में सोमवार को मछली मारने आए अड़गावा निवासी मोहम्मद समीम आलम का 12 वर्षीय पुत्र फिरदोश आलम की नदी में डूबने से मौत हो गई। देर शाम तक स्थानीय गोताखोर की मदद से शव खोजने की कोशिश की गई लेकिन शव नहीं मिली है। खरीक अंचलाधिकारी विनय शंकर पंडा ने बताया कि नदी में बालक की डूबने की सूचना SDRF खगड़िया को दी गई है। देर शाम तक SDRF की टीम खरीक नहीं पहुंची थी। नदी में डूबे बालक की बरामदगी के लिए स्थानीय गोताखोर को लगाया गया है। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8954855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।